अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद, मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में डाकुओं ने ईद पर एक और घर उजाड़ दिया। गुलशन इकबाल में डकैती मुजामत पर तुराब जैदी नामी शहरी की जान ले ली। तुराब अपने दोस्त पर परवेज के हमरा ATM से रकम निकलवा कर निकला था। परवेज के मुताबिक डाकू उससे भी मोबाइल छीन कर ले गए, जबकि मुजामत पर तुराब के सर में गोली मार दी। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुजामत पर चार दीगर अफराद को भी गोलियां मार कर जख्मी कर दिया गया। कराची में डाकू बेलगाम, ईद पर एक और घर की खुशियां छीन ली। गुलशन इकबाल में बेरहम लुटेरों ने डकैती मुजाहमत पर शहरी की जान ले ली। तुराब जैदी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नौजवान घर से ATM से रकम निकलवाने के लिए निकला था। ASP अतीकुर रहमान के मुताबिक मकतूल के मोबाइल से बैंक ट्रांजेक्शन के शवाहिद मिले हैं। नासमाबाद और कोरंकी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से चार अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस फेसेट में रिटायर्ड SSP के घर वारदात। FIR के मुताबिक मुल्जमान 30 तोला सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले उड़े। शहर में रवां साल जनवरी से अब तक 61 अफराद डकैती मुजाहमत पर कत्ल और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। कराची में डाकू रोजाना घरों के चिराग बुझा रहे हैं, गमजदा वालिदैन के कलेजे फटते जा रहे हैं। हुकूमत ने शहरियों को बेआसरा छोड़ दिया है। मकतूल तुराब के वालिद निसार हुसैन जैदी कहते हैं, तुराब मेरा अकलौता बेटा और तीन बहनों का भाई था। तुराब के तीन बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है। हुकूमत बच्चों की मदद को आए। अच्छा खासा घर में बैठा था, दोस्त आए थे, उसके खाना किया था उसने दोस्त का। पता नहीं किस वक्त में क्या हुआ, उसको कैश की जरूरत थी क्या था, वो नीचे आया ATM में लेने के लिए। तो उसका दोस्त था, उसने तो अपना पर्स और मोबाइल दे दिया, उसने उसको छोड़ दिया। इसने नहीं दिया, रजिस्ट किया। अच्छा मेरा बेटा है, वो एक ही बेटा था मेरा, वो भी इन लोगों ने मार दिया, उसके सर में गोली मारी, इतना खून में नहाया हुआ था, बाप उसकी लाश नहीं देख सकता। तीन बच्चे हैं, सबसे छोटा 6 महीने का बच्चा है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ, बच्चों के लिए जरूर कुछ करे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीबी। कराची में डकैत बेलगामी के दिन भी शहरियों की जान और माल महफूज रही। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने गुलशन इकबाल में घर के वाहिद कफील की जान ले ली। रमा साल अब तक 61 अफराद मौत की नींद सुला दिए हैं। मजीद बात करते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में डाकू राज बदस्तूर बरकरार है। गुज़श्ता रोज ईद का दूसरा दिन भी डाकुओं ने लूट मार की वारदातों का सिलसिला जारी रखा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन चौरंगी पर। आप मेरे रकम में देख सकते हैं ये ATM मशीन है, यहाँ से नौजवान तर्राब जो है वो अपने दोस्त के साथ कैश रकम लेके जैसे ही निकला है कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो मुलजमान आए हैं और उन्होंने लूट मार की। दोस्त ने तो मोबाइल फ़ोन दे दिया, लेकिन तुराब ने डाकुओं से मज़ाहमत की तो डाकुओं ने एक गोली जो है वो सर में मार के उसे कत्ल कर दिया और मुलजमान मौके से फरार। मकतूल तुराब के वालिद का कहना है कि उनका इकलौता ही बेटा था और वो कॉल सेंटर में काम करता था। मकतूल दो बच्चों का बाप था, सबसे छोटी बच्ची की उम्र बताया जा रहा है कि 6 माह के करीब है। पुलिस का कहना है कि इतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं ताकि मुलजमान का जो है वो सुराग लगाया जा सके। मकतूल इस साथ ही ATM मशीन के साथ ही वाकई एक बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे। वालिद का कहना है कि मकतूल तुराब की नमाज जनाजा अब से बाद नमाज ज़ोहर जो है वो अंचोली इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। सिंध में खुले मैनहोल बच्चों की मौत का सबब बनने लगे। हैदराबाद में तोप चुरंगी पार्क के सिवरेज गढ़े में 5 साल बच्ची गिरकर जान बहक हो गई। मासूम बच्ची बुशरा पठानकोट से पार्क में झूला झूलने आई थी। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे जारी रहा। तहां 5 घंटे बाद बॉडी निकाली जा सकी। बच्चे की मौत के बाद इलाके में शोक का आलम है। दूसरी जानब अटक में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। दरियाए सिंध में अटक खुर्द के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए हैं। हुजूरों के रिहायशी 19 साल हुसैन शाह की लाश निकाल ली गई है। पेशावर से आने वाले 2 नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीनों नौजवान ईद के मौके पर दरिया पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे।
और अब बात करेंगे ईद उल फितर की। मीठी ईद की खुशियां आज तीसरे रोज फिर जा रही हैं। खूब चल रहे हैं खाबे और सैर सपाटे। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया। मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी है। ईद के तीसरे रोज बच्चे अपनी मौज मस्ती में मसरूफ हैं। पार्क का रुख कर लिया है। खेल के मैदानों में भी रश ही रश है। बच्चे ईद की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं लाहौर की नुमाइंदा फातिमा शराज़ इससे। जी फातिमा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ईद का तीसरा रोज़ है और बच्चे अभी भी वैसे ही हैं जैसे ईद का पहला रोज़ है। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वालदैन को तंग किया हुआ था कि बच्चों को जो है वो पार्क्स में लेकर आए, झूले दिलाएं। कुछ बच्चे तो नाना नानी के घर जा चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जा सके, जिनके जो नाना नानी के घर आउट ऑफ सिटी हैं, उनके वालदैन जो है वो पार्क्स में लेके आए। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने आप यहाँ आई हैं और अब तक आपने कितना इंजॉय किया है और बच्चों को खुश देख के आपको कैसा फील हो रहा है? हम लोग तो आए थे ज़ू है बंद, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। इस छोटी सी बच्ची को हम लोग ज़ू दिखाने के लिए लेकर आए थे, बट ज़ू बंद है, इसलिए हमें मजबूरन उसको यहाँ पे धूप में लेके घूमना पड़ रहा है। आप बताइए जी, आपको कैसा लगा यहाँ पार्क में आना? अभी हम एंटर ही हुए हैं, इंशाल्लाह हम इंजॉय करेंगे, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, यहाँ हमने एक फैमिली से बात की जो कि बहुत उदास थी क्योंकि वो ज़ू आई थी, लेकिन यहाँ भी वो कह रही है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अभी तो हम आए ही हैं और अभी हम इंजॉय करेंगे। जी ईद के तीसरे रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद ने छुट्टियां गुजारने के लिए सयाहती मकाम गलियात का भी रुख कर लिया, जहां सयाह ठंडे ठार मौसम हसीन वादियों से खूब महसूस हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नथिया गली में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार राशिद खान। राशिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है और बड़ी तादाद में जो है मुल्क भर के जो सयाह हैं उन्होंने नथिया गली का रुख कर लिया और सयाहों की बड़ी तादाद मर्द, खवातीन, बच्चे जो इस बार नथिया गली की खूबसूरत वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ शहरी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ आएँ, कैसा महसूस कर रहे हैं जी नथिया गली में आके? जी आज हम चूँकि ईद का तीसरा दिन है और काफ़ी दोस्त आए हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। मौसम बहुत अच्छा है और हम सबसे यही कहेंगे कि अभी एक दो छुट्टियां बाकी हैं तो सब आएँ यहाँ पे, एंजॉय करें, वेदर एंजॉय करें और यहाँ पे आके इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी बिल्कुल, जैसा कि सयाह का यही कहना था कि नथिया गली आके मौसम एंजॉय करें, ठंडा मौसम है और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं और ईद की छुट्टियाँ भी हैं और सभी लोग आके यहाँ पर इंजॉय करें। बहुत शुक्रिया राशिद अपडेट करने के लिए। ईद का तीसरा दिन शहरियों और ख़ास तौर पर बच्चों के सैर व तफरी का दिन होता है। जहलम के शहरी भी मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर बच्चों के साथ ईद का मज़ा दोबाला करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं किला रोगनाथ में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ यासर फहमीस है। हाँ जी, ईद का दिन घर में गुजरने के बाद ईद का दूसरा और तीसरा दिन जो है वो दावतें भी उड़ाने में गुजर जाता है, जबकि सबसे अहम मरला जो है वो सैर व तफरी का है और बच्चे जब तक सैर व तफरी ना करें तो ईद का मज़ा दोबाला नहीं होता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारीखी किला रूथास में, जहाँ पे बच्चे और ख़वातीन और फैमिली जहाँ पे जो है वो ईद का दूसरा और तीसरा दिन इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा और ईद कैसे गुजर रही है? मेरा रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है और मेरी ईद में मैं अपनी कज़न के साथ आई थी। तो ये बताइए ईदी कितनी इकट्ठी की और घूमने फिरने कहाँ कहाँ गए और क्या कुछ खाया पिया आपने? 5,000 वो मैंने इकट्ठे किए और हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। तो यहाँ पे किला रोहतास में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा जी। तो बच्चों का कहना है कि ईदी भी इकट्ठी की और खाना पीना भी है और उसके अलावा उस ईदी को खर्च करने के लिए हम तारीखी मकाम पे किला रोहतास पे आए और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी रावलपिंडी करतारपुर का मशहूर नाश्ता करने पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आली जा से। अली जा, अपडेट कीजिएगा। देखिए ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और यहाँ पर हम मौजूद हैं रावलपिंडी के करतारपुरा, मशहूर फूड स्ट्रीट है, नाश्ते के हवाले से, खानों के हवाले से मशहूर है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं, अनवाउ अकसाम के जो खाने हैं उनसे महसूस होते हैं। हमारे साथ चंद मंचले मौजूद हैं। कहना इनका ये है कि हम फैसलाबाद से आए हैं, कुछ इनके दोस्त सरगोधा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे यार, सुबह सुबह पहुंच गए हैं करतारपुर, नाश्ता करेंगे? जी सर, हम फैसलाबाद से आए हैं, इधर इस्लामाबाद सो पिंडी से हमने आगाज़ किया है क्योंकि हमें यहाँ पता है कि करतारपुर का नाश्ता जो बहुत फेमस है, तो यहाँ से हम स्पेशली पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि पहले पेट पूजा फिर उसके बाद काम दूजा। अच्छा। तो नाश्ता वगैरह करके फिर हम जरा आगे निकलेंगे, जाएँगे, इन्जॉय करेंगे फैसला हुसैन बैरिया और क्लब्स वगैरह थोड़ा इन्जॉय करेंगे। ईद के लिए सारे फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं हम,
इंजॉय करने के लिए आए हैं फैसलाबाद से, बाकी कुछ कजन सरगोधा से हैं। अच्छा, तो ईद इंजॉय करने के लिए आए हैं। ईद इंजॉय करने के लिए आए। इन्होंने कहा है कि पेट पूजा फिर काम दूजा, क्या खाएंगे, क्या आपने मेन्यू में सोचा हुआ? हम पाए खाएंगे, साथ नारी खाएंगे, नान लस्सी सब कुछ ट्राई करेंगे। देख सकते हैं जी, इनका ये कहना है कि हम फैसलाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद एक्सप्लोर करना मकसद है। आगाज़ इन्होंने पिंडी से लिया है क्योंकि इनका ये कहना है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बहुत शुक्रिया अलीज अपडेट करने के लिए। मीठी ईद पर हैदराबाद के खास मीठे पान की धूम है। बच्चों और बड़ों का पान खरीदने के लिए दुकान पर रश लग गया है। इस वक्त ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान राय मशहूर है पान शॉप पर, उन्हीं से जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी, मीठी मीठी ईद है और ईद है, और मीठी ईद पर जहाँ हैदराबाद की रबड़ी और केक मशहूर हैं बॉम्बे बेकरी के, वहीं पर हैदराबाद में मीठे पान गुलाब पान हाउस पर शहरी हमें मीठे मीठे पान लेते नज़र आते हैं, अपने घर वालों के लिए ले जाते नज़र आते हैं। हम बात करते हैं, आपने इतने सारे पान लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? बिल्कुल फैमिली के लिए, और हर साल जो है फरमाइश होती है फैमिली की छोटी ईद पे बड़ी ईद पर मीठे पान की, और गुलाब पान का समझे एक बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। तो सब खास बात है मीठी ईद पर मीठे पान ही क्यों? मीठे पान अब जाहिर सी बात है एक ट्रेडिशनल है पान, जैसे इंडिया में भी चलते थे और पाकिस्तान में भी चलते हैं। अच्छा, जो रेगुलर लोग खाते हैं वो तो मुख्तलिफ पत्ती वाला पान या दीगर पान खाते हैं, लेकिन इस पर फैमिलीज स्पेशली लेडीज़ की जो है ना ख़ास फरमाइश होती है, चाहे वो मेहमान हो कराची से आए हुए या दीगर सिंध के इलाकों से, कि गुलाब पान उसका पान खाना है। ये तकरीबन मैंने 36 पान लिए हैं, माशाल्लाह बड़ा हमारा घर है तो फैमिलीज वगैरह में मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। गुफ्तगू सुनी, रात गए तक यहाँ पान की ख़रीदारी होती है और मीठे पान खाने के शौकीन अफराद जो हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं और लेडीज़ की फरमाइश पर आते हैं। ख़वातीन ये फरमाइश करती हैं कि मीठी ईद है, मेहमान आ रहे हैं, पान रखे जाएंगे, और हैदराबाद में एक सौगात है पान जो कि मेहमानों को पेश की जाती है। जी, हरनाबाद के बच्चों और नौजवानों ने ईद इंजॉय करने और यादगार बनाने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है, जहां पर बच्चों और नौजवानों की कसरी तादाद ईद को इंजॉय करने के लिए पहुंची हुई है। हमारे नुमाइंदे राना दिलबर राहिल इस वक्त एक स्विमिंग पूल में मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, किस तरीके से लोग इंजॉय करें, उन्हीं से जानते हैं। राना दिलबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरनाबाद में भी आज ईद का तीसरा रोज बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त नौजवान और बच्चे जो अपने ईदी बाहर खाने पीने खर्च करने के बाद इस वक्त स्विमिंग पूल और पार्कों का रुख कर चुके हैं। इसी तरह हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त ये स्विमिंग पूल पे आए हैं, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, आज आप यहाँ आए हो अपने ईदी खर्चने के बाद, तो क्या महसूस कर रहे हैं? जी, दो दिन तो हमने अपने जो है ना फैमिली के साथ गुजारा इधर उधर घूमने में, आज तीसरे रोज दोस्तों के साथ प्लान बनाया, तो सुबह सुबह घर से पार्क के लिए निकले हैं, पार्क में गए हैं, एंजॉय किया काफी, मगर फिर जैसे ही दिन की शिद्दत महसूस हुई गर्मी की तो हम लोगों ने पूल का रुख किया है। सारे दोस्त यहाँ पे मिलके आए हैं, काफी देर से एंजॉय कर रहे हैं और अभी भी दोस्त एंजॉय कर रहे हैं कुछ। जी, आपने नौजवान की बात सुनी कि पिछले दिनों की निस्बत आज क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, इसलिए ये नौजवान और बच्चे अपने गर्मी को कम करने के लिए नहा रहे हैं और इंजॉय कर। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद के शहरी। ईद के पहले दो रोज से एक दूसरे के मेजबान और मेहमान बने, लेकिन अब ईद का तीसरा दिन सैर व तफरी के नाम है। बच्चे बड़े सब पार्क में लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ हैं, मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, एक दूसरे के साथ ईद मिलन पार्टियां करने के बाद अब शहरियों ने पार्कों का रुख किया हुआ है। शहर में जितने भी पार्क हैं, जिसमें जिनाह पार्क शहर का सबसे बड़ा पार्क है, इसके साथ डी ग्राउंड पार्क, पहाड़ी वाला ग्राउंड पार्क, वहां पे हमने देखा है कि शहरियों ने रुख किया हुआ है पार्कों का अपने बच्चों के साथ, वहाँ पर झूले लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो हैं खाए जा रहे हैं, ये जंपिंग का झूला है वो लिया जा रहा है, इसके साथ स्लाइड्स जो हैं वो ली जा रहे हैं। इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं अपने बड़ों के साथ ट्रेन की सवारी से यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा है कि हर किसी की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईद को इंजॉय किया जाए। बच्चों ने इतनी बड़ी ज़्यादा जो है ईद इकट्ठी की हुई है, अब उस ईद इकट्ठी की हुई है, अब ईदी को ठिकाने लगाने के प्लान जो हैं चल रहे हैं। मेरे साथ बच्चे मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, आप ईद किस तरह मना रहे हैं, यहाँ पे वालदैन के साथ आए हुए हैं, किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, वालदैन के साथ आए हैं, इधर बहुत अच्छा है, हर चीज़ है इधर, खाने पीने के झूले भी बहुत सारे हैं। और आपने ईदी कितनी इकट्ठी की है और किस तरह इंजॉय किया जा रहा है, क्या क्या खाया पिया जा रहा है? अभी तो 3000 इकट्ठा किया है, ठीक है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, आए थे ताकि मतलब इंजॉय कर ले सब मिल के। कौन कौन से झूले लिए हैं? अभी तो कुछ नहीं, अभी लेने थे आए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने कहा चले ले लेते हैं।
बिल्कुल, बच्चों ने मुख्तलिफ प्लानिंग की हुई है, झूले भी लेने हैं, यहाँ पे आइसक्रीम भी खानी है, गोलगप्पे भी खाने हैं और खूब इंजॉय करना है अपने कज़नों के साथ, दोस्तों के साथ और सारा दिन जो है पार्कों में ही गुजारना है जी। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर, में अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे हरिपुर का। हरिपुर के पिकनिक पॉइंट्स पर ईद उल फितर की रौनकें जारी हैं। लोग दोस्तों यारों और फैमिलीज के हमरा ईद को एंजॉय करने के लिए पिकनिक पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो आसिफ इकबाल से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद को एंजॉय करने के लिए हरिपुर के शहरों की बहुत बड़ी तादाद हरिपुर के मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर मौजूद है। यहाँ वंडरलैंड पार्क, चिकाई पार्क हो, खानपुर डैम में हो, यहाँ आज हरिपुर के बहुत बड़ी तादाद में सियाह मौजूद है, शहरी मौजूद है, मुकामी और गैर मुकामी सियाह यहाँ मौजूद है और ईद को इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक यहाँ पर एक फैमिली आई हुई है, इनसे पूछते हैं इन्होंने यहाँ आके कैसे इंजॉय किया, ये यहाँ का माहौल कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मानसेरा से आई हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे कज़न्स, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे चाचू, हम सारी फैमिलीज़ जो हैं हम सारी आई हुई है और मेरी फ्रेंड्स भी आई हैं। हम इससे पहले कई पार्क में जा चुके हैं लेकिन इस पार्क के बारे में सुना था और हमने इस दफ़ा ये सजेस्ट किया कि ईद उल फितर हम जो हैं वो वंडरलैंड में मनाएँगे और यहाँ आकर यहाँ जिस तरह से हमने सुना था उसी तरह यहाँ के इंतजाम, यहाँ पे स्विंग्स आप इसी तरह के ले सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर खाने पीने के जो इंतजाम हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रीज़नेबल हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे कब में यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज मौजूद हैं, मुकामी भी हैं, गैर मुकामी की भी हैं, यहाँ पे ईद को इंजॉय कर रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं। हरिपुर समेत हरिपुर के तमाम जो पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये रश, ये माहौल, ये लोगों का गहमा गहमी जो है जारी रहेगी। बात करेंगे मौसम की। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। क्वेटा और कई शहरों में बादल बरस पड़े। पिशावर, सवात, मानसेरा में भी सावन की एंट्री हो गई। कराची में बादल पहुंचने लगे हैं। कल चंद इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का भी इम्कान है। मुल्क में बरसात का नया सिस्टम आ गया। क्वेटा, खुजदार और बलूचिस्तान के दीगर शहरों पर अब्र रहमत छा गया। क्वेटा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। मरी, कलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर इजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। पिशावर, चतराल, सवात और एबटाबाद में भी बारिश की पेश गोई है। उधर कराची में भी मौसम बदलने लगा, हफ्ते को चंद इलाकों में पेशगोई की गई है। अब बात कर लीजिए फलस्तीन से मुतालिक। मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा में ईद के तीसरे रोज भी इसराइल की बर्बरियत जारी है। पिछले 24 घंटे मजीद 63 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी कर दिए गए। शुमाली गजा में मुसलसल बमबारी से कहती सूरत हाल पैदा हो गई है। नूतरा अमरीका में भी एक सर्वे में 36% अवाम ने इसराइली हमलों को नस्ल कुशी करार दे दिया। इसराइल का असल तमाम हदों को पार कर गया। ईद के दिन भी इसराइल ने फलस्तीनी आबादियों पर वहशियाना गोलाबारी जारी रखी। इसराइली हमलों में बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहादत का रुतबा पा गए। एक हर फलस्तीनी एक के बाद एक नए अलमिये का मुकाबला कर रहे हैं। शुमाली गजा में इसराइल ने फलस्तीनियों की आबादियाँ खंडर बना दी। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत से कहत का आलम है। गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 33,545 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं जबकि 76,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के हाथों 13,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हुए हैं। उत्तर अमरीका में 36% शहरियों ने एक सर्वे में इसराइली कार्रवाइयों को फलस्तीन की नस्ल कुशी करार दे दिया। सर्वे में 34% अफराद ने इसे नस्ल कुशी करार देने से इनकार किया। 30% अफराद ने राय देने से गुरेज किया। अपडेट करेंगे आप गजा में सूरत हाल पर। बढ़ती हुई नफरतों पर तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि हमने बदकिस्मती से यहूदियों के साथ दुश्मनी में इजाफा देखा। मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा देखा गया है। प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना था कि अमरीका इस तनाव को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और एक पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। तर्जमान ने कहा कि ये इसराइल की सलामती के मफाद में है कि वो फलस्तीनी आवाम के साथ मफाहमत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। फलस्तीन के अक़वामे मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफाक ना हो सका। फलस्तीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वामे मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। फलस्तीन ने अक़वामे मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए दरख्वास्त 2011 में जमा कराई थी। माल्टा के सफीर का कहना है कि सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में फलस्तीन की मुकम्मल रुकनीत पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। कौंसिल के 2/3 अरकान फलस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के हक में हैं।
ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले का खदशा। अमरीका को अपनी नाजायज सौलात इसराइल की फिक्र सताने लगी। अमरीकी सेंट्रल कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला इसराइल पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल माइकल एरिक इसराइली वजीर दिफा और सिहोनी फौज के सरबराह से मुलाकात करेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइल को ईरानी हमले के पेश नज़र मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी कराई थी। और भी आपको बताएं कि बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर है। बरतानिया जाने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू किए जा रहे हैं। हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया जाने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा किया गया है। स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई है। सोशल केयर के शो में काम करने वाले अफराद अब ज़ेर किफ़ारत अफराद को बरतानिया नहीं ले जा सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई है। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताया कि न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच पिंडी स्टेडियम में 18 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड टीम के फिन एलन और एडम मिल ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हुए हैं। न्यूजीलैंड के टॉप के 9 क्रिकेटर्स पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। और भी आपको बताएं कि मुत्तहदा अरब अमीरात में सोने का नोट तैयार कर लिया गया है। नोट पर दुबई की शनाख्त समझी जाने वाली मकामात के खाके बनाए गए हैं। सोने का नोट महज नुमाइश की चीज़ या डेकोरेशन पेश नहीं बल्कि नादिर अशिया जमा करने वालों के लिए भी एक उम्दा आइटम है। सोने के इस नोट की कीमत 159 दरम है और ये कोर के साथ ये कवर के साथ दस्तियाब है। ये एक ऐसा तोहफा है जो दुबई की सकावती मिरास का अमीन भी है। बहुत से लोग सोने का नोट तोहफा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 कैरेट वाले सोने से तैयार किया जाने वाला ये नोट लोगों की पसंदीदगी के मयार पर पूरा उतरता है। सिर्फ मकामी लोग ही नहीं गैर मुल्की भी इस नोट में दिलचस्पी ले रहे हैं। और इंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आप बताएं कि एक साबिक एजेंट दुश्मन के साथ मिशन के लिए निकल पड़ा। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म चीफ ऑफ द स्टेशन का ट्रेलर जा रही है। फिल्म आइंदा माह सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। इसी के साथ ही फिल्म वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।